हेलो बच्चा पार्टी, जय हिंद। क्या हाल चाल हैं? सब लोग मस्त बिंदास? तो फिर ठीक है बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात आती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जानने के पहले एटम्स के बारे में, कि आप जानते हैं कि एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं। तो इसकी जो प्राचीन पुरानी परिकल्पना थी, तो सबसे पहले अपने इंडिया के ही महर्षि कणाद ने एक चीज़ कही थी अपने शोध में, लिखा था यत्र तंदे तत् जो है यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडी, कि जहाँ कोई कण है वहाँ कोई वहीं क्या है ब्रह्मांड का है। मतलब आपका शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बनाई, ये चीज़ किसने? महर्षि कंडेंट ने बताई थी, मतलब महर्षि कणाद ने। तो इसके बाद सर जॉन डाल्टन आए। तो सर जॉन डाल्टन ने क्या बताया? सर जॉन डाल्टन ने ये चीज़ बताई कि द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। उन्होंने क्या बताया एटम के बारे में, कि जो एटम है, परमाणु है, किसी भी एलिमेंट्स का फंडामेंटल पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब अति सूक्ष्म उसका कण है जो डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस चीज़ के बारे में किसने बताया था? इस चीज़ के बारे में किसने बताया था? जो है सर जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन के बाद जो है अनेक साइंटिस्टों ने, जैसे आपके सर जे थॉमसन, स्टोनी, मुल्किन, ऐसे साइंटिस्टों ने जो है इस एटम के अंदर घुसने की कोशिश की, आखिर उस एटम के अंदर है क्या, ये इतना छोटा पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल बना तो ये आखिर बना काहे से, इसकी कहानी लगभग जॉन डाल्टन की थ्योरी के लगभग 100 साल बाद ये स्टार्ट हुई। तो उसके बारे में, तो उस समय सन 1859 में एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर। कौन से? जूलियस प्लकर, जिन्होंने 1859 में, किसने? सर जूलियस प्लकर, जूलियस प्लकर ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? कैथोड रेज की, मतलब कैथोड किरणों की क्या की? डिस्कवरी की। तो बात आती है बच्चों, ये कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुआ इसके बारे में, ठीक है? तो इस चीज़ को हम बताने के लिए क्या करेंगे, आपको एक डायग्राम की सहायता से, एक चित्र की सहायता से हम आपको इसे समझाएंगे। तो क्या हुआ, कैथोड रेज की खोज इन्होंने कैसे की, तो इस चीज़ को हम जरा मिटा देते हैं। अब हम फिगर बनाते हैं आप लोगों के लिए, बढ़िया मस्त सा एक फिगर साथ में बनाइए और उसमें डाल दीजिए आप टॉपिक जो है, तो प्रॉपर्टीज आप कहते हो कैथोड रेज, ठीक है, और उसमें कैथोड रेज के बारे में आप समझ भी लीजिए। तो प्रॉपर्टीज़ तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले डायग्राम आप कंप्लीट कर लीजिए। तो डायग्राम में इन्होंने एक क्या ली, इस तरीके की एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब को जो है, ये एक कांच की नली होती है डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये एक क्या होती है, कांच की नली होती है, और इसके डिस्चार्ज ट्यूब के यहाँ पर इस साइड में एक फ्लोरेसेंस लगा होता है, फ्लोरेसेंट लगा होता है, ठीक है, मतलब जिंक सल्फाइड की लेयर होती है, काहे कि
फ्लोरोसेंस की क्या होती है, मतलब जिंक सल्फाइड की लेयर लगी होती है, इससे अगर कोई पार्टिकल्स टकराता है तो क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। इस साइड में उन्होंने क्या किया, एक कैथोड लिया, एक टर्मिनल ले लिया और एक टर्मिनल इन्होंने ये लिया, ठीक है। इस टर्मिनल को क्या किया इन्होंने, एक जो है इंडक्टिव कॉइल से इन्होंने उसे कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, मतलब ये आपका एनोड, ये आपका क्या बना, एनोड, और इसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया किससे, इसको कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इसको कनेक्ट कर दिया कैथोड से, और इस कैथोड में अनेक छिद्र कर दिए छोटे छोटे इस टाइप से, और इसके अंदर का जो अंदर की जितनी भी एयर थी उस एयर को इन्होंने बाहर निकाल दिया, किससे, वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप से इन्होंने क्या कर दिया, इसे बाहर निकाल दिया। इसके अंदर का प्रेशर इन्होंने कितना रखा वैक्यूम पंप के द्वारा निकाल करके, इसके अंदर का जो प्रेशर था वो प्रेशर कैसा है, बहुत ही लो, एयर गैस, एयर और गैस का प्रेशर कितना इन्होंने रखा, ठीक है, एयर गैस लो प्रेशर, लो प्रेशर कितना 0.001 mmHg के इक्वल टू, इन्होंने इतना कम प्रेशर रखा। अब इसमें इन्होंने 10,000 वोल्ट का क्या किया, एक करंट इसके अंदर फ्लो किया, तो इतना करंट फ्लो करने के बाद 10,000 वोल्ट एक हायर वोल्ट हुआ, बहुत तगड़ा करंट हुआ है ना, तो 10,000 का वोल्ट करंट अगर किसी को लग जाए तुरंत काला हो जाता है, मर ही जाएगा है ना। तो इसमें क्या हुआ, जब इतना करंट उन्होंने प्रवाहित किया तो जो है, अरे ये आपका क्या रहा, इसको कह रहे थे कैथोड, और ये छिद्र क्या था आपका, एनोड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एनोड तो जब ये टर्मिनल से हाई वोल्टेज करंट इन्होंने प्रवाहित किया, तो प्रवाहित करने पर कैथोड की ओर से कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, इनविजिबल रेज निकल रही हैं, किधर की ओर से, कैथोड की ओर से, जी मैंने इनको दर्शाया, दिखाई नहीं दे रही, इसलिए डॉटेड लाइन में है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल रेज, इनविजिबल रेज ऑफ कैथोड, ये इनविजिबल रेज क्या है, कैथोड की। तो इधर से कैथोड रेज जो निकली, ठीक है, वो सीधे किधर जाती है, एनोड की ओर, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी मेटल या टर्मिनल जो बने कह के मेटल के हैं, तो मेटल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इसको टर्मिनल से जब इसको जो है इंडक्शन कॉइल से जब जोड़ दिया, तो 10,000 जोड़ करके वोल्ट जो करंट दिया, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो नेगेटिव जिस पर चार्ज होता है आप जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहने का मतलब ये एनोड क्या करता है, इस टर्मिनल पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इधर की ओर आते हैं बिना एक दूसरे को हिट किए हुए, ये एक दूसरे को हिट नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं हिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी दूर से ही ये इनका प्रेशर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, कितना 0.001 mmHg क्या होता है प्रेशर, मतलब बहुत ही कम प्रेशर, इतने कम प्रेशर पर ये बिना हिट हुए ये
रेज क्या होती है, सीधे इधर की ओर क्या करती हैं, कैथोड की ओर आती हैं, वो एनोड की ओर आती हैं, और एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड का इधर लेयर रही है, ये सॉरी हम इसको मिटा दें इधर से, तो ये क्या है, इधर की ओर ये लेयर लेयर लगी होती काहे की, फ्लोरोसेंस की, काहे की फ्लोरोसेंस की, ठीक है। ये मतलब जिंक सल्फाइड की क्या होती है, लेयर होती है, इससे आकर के टकराती है यहाँ पे पीछे की ओर, है ना। और ये सभी कैसी होती है, छिद्रित, इनसे होकर के निकल करके आती है, और पीछे क्या है, बिना टकराए हुए इससे किसी इस प्लेट पर आकर के ये पार्टिकल क्या है, ये टकराती हैं और यहाँ पर ग्रीन कलर की चमक उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं, ग्रीन लाइट, क्या प्रेजेंट कर रही हैं, ग्रीन लाइट ये प्रेजेंट कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये कण आ रहे हैं, इधर से रेज आ रही हैं, इधर टकरा रही हैं, और ग्रीन कलर की लाइट क्या कर रही हैं, उत्पन्न कर रही हैं। तो बात ये आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें ये हुआ, अब इन्होंने क्या किया, किसने, सर जूलियस प्लकर ने इन किरणों को नाम क्या दिया, कैथोड रेज नाम दिया, क्यों, क्योंकि ये किरणें किधर से आ रही हैं, कैथोड से। अब इसके बाद कैथोड रेज की प्रॉपर्टी जो आई, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या आई, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये पता लगाए कैथोड रेज बनी काहे की है। तो इन्होंने ये बताया कि ये कैथोड रेज जो निकल रही है कैथोड से होकर के एनोड की ओर, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रही है, इसलिए इनका चार्ज कैसा है, इन रेज का नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दूसरी चीज, इन रेज के बीच में एक इन्होंने क्या रख दिया, इस तरीके से इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट ये रखने पर यहाँ पर क्या बनती है, इसकी एक छाया बन रही है, क्या बन रही है, शेडो, क्या बन जाती है, शेडो बन जाती है, मतलब एक छाया बनती है, जिसे सिद्ध होता है कि कण क्या है, ये जो रेज हैं ये बिल्कुल सीधी दिशा में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में, है ना, ये ट्रेवल किधर करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, दे हैज ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन में, सीधी रेखा में क्या करते हैं, गत करते हैं। अगली चीज, इन्होंने क्या किया, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, क्या कर दिया इन्होंने, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ठीक है। एक मिनट बच्चों, जरा कैमरा गड़बड़ करा है, सही कर दे, ठीक है, उसको, हाँ। तो बच्चों इसमें क्या हुआ कि अब इसके चारों ओर इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये कौन सा रहा इसका पोल, नॉर्थ पोल, और ये वाला पोल इन्होंने रख दिया साउथ पोल। तो ये सारी रेज जितनी निकली ये सभी किधर, नॉर्थ पोल की, किधर की ओर, ये सभी किरणें रेज जो हैं किधर, नॉर्थ पोल की ओर क्या हो जाती हैं, जो है विक्षेपित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, समझ गए, किधर मुड़ जाती हैं, नॉर्थ पोल की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, अब मतलब डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फिर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड रखा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये इसकी कौन सी प्लेट रही, पॉजिटिव, और ये प्लेट इसकी रही कौन सी, नेगेटिव। तो ये सारी ये रेज कहाँ आई, इस पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या हो गई, डिफ्लेक्टेड हो गई, किधर डिफ्लेक्टेड हुई, इस पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्टेड हुई। उसके बाद एक और इन्होंने रिसर्च किया, क्या किया, इसके बिल्कुल बीच बीचों बीच मिडिल में क्या रख दिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट को, फोटोग्राफिक प्लेट को इन्होंने बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट को बीच में रखने पर ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो गई, जब ये किरण रेज के संपर्क में आती तो कैसी हो जाती है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, कैसी हो जाती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाती है, मतलब ये क्या करते हैं, इफेक्ट कर देते हैं, किसको, फोटोग्राफिक प्लेट पर भी इफेक्ट कर डालते हैं, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ किसकी थी, कैथोड रेज की, इसकी प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की। इसके बाद क्या हुआ,
इन्होंने एक चीज़ और की कि इनके बीच में एक गोल्ड की धातु के पतले पंखों का बना हुआ क्या किया, एक फैन रख दिया, व्हील है ना, गोल्ड फिन्स व्हील रख दिया, मतलब सोने के पंखों का बना हुआ एक पहिया जो इस तरीके का रख दिया इन्होंने। अब जब ये सोने की धातु के मेटल का बना हुआ ये फिन्स यहाँ पर रखा है, और जब ये रेज आती हैं तो ये रेज सीधे क्या होती हैं, इस फिन्स से टकराती हैं, और टकरा करके इसको क्या कर देती हैं, घुमा देती हैं, इसको क्या कर देती हैं, घुमा देती हैं, जिससे ये प्रूव हो गया ये जो कैथोड रेज हैं ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हैं, और ये पार्टिकल्स कैसा है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की ओर आ रहा है, नेगेटिव प्लेट की ओर से रेज आ रही हैं, तो ये रेज कैसे नेगेटिव है, अर्थात इसमें इसका जो बनने वाला जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव चार्ज वाला वो पार्टिकल है, है ना। इस इतने छोटे जो है कण का नाम क्या दिया गया, स्टोनी ने उस पार्टिकल का नाम क्या दे दिया, जो है इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। इसकी डिस्कवरी कब हुई, सन 1859 में। तो आप टॉपिक अपना डाल दीजिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, क्या टॉपिक डाल देंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या थी, इसे हम इरेज किए देते हैं और आप इसे क्या करेंगे, अब नोट कर लीजिए, आपने जो टॉपिक डाला था प्रॉपर्टीज का, इसका आपने चीज डायग्राम बना ही लिया होगा, आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं इसकी काहे के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज हम नोट किए लेते हैं। तो कैथोड रेज प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज टॉपिक डाल दीजिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो इसकी प्रॉपर्टीज में आप फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की, तो आप लिख दीजिए दे आर नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, दे आर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज प्रॉपर्टीज नंबर टू इनकी क्या दी थी, ठीक है, दे ट्रेवल कहाँ चलती हैं रे, सीधी रेखा में, तो क्या लिखेंगे, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये सीधी रेखा में क्या करती हैं, मोशन करती हैं। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, अगला पॉइंट आ जाएगा थर्ड पॉइंट इसका, कि दे प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन करती हैं, ट्रेवल कर रही हैं ना, तो ट्रेवल जो करेगा उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो कहने का मतलब उसके अंदर क्या है, मास है। तो अगली चीज़ ये क्या है, दे प्रोसेस उनके अंदर क्या स्थिर होती है, गतिज ऊर्जा, तो क्या लिख देंगे, दे प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो पॉइंट नंबर फोर काइनेटिक एनर्जी है, तो पॉइंट नंबर फोर क्या आ जाएगा, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या लिख देंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, तो क्या लिख देंगे, दे आर डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक और किसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका फोर, और फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये क्या करती हैं, फ्लोरेसेंस उत्पन्न करती हैं, ग्रीन कलर की चमक उत्पन्न करती हैं, है ना, तो क्या करती हैं, लिख लीजिए, दे प्रोड्यूस्ड, पॉइंट नंबर फाइव क्या हो जाएगा, दे प्रोड्यूस्ड
दे प्रोड्यूस, ठीक है, फ्लोरेशंस, ये फ्लोरेशंस क्या करती है, चमक करती है, मतलब ग्रीन लाइट, ब्रैकेट में लिख लीजिए ग्रीन लाइट, ये ग्रीन लाइट क्या करती हैं, प्रेजेंट करती, मतलब उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा, ये किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली जो मेटल होती है, उस मेटल के सरफेस एरिया को हीट करके क्या करती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं, क्या करती हैं, ये कैथोड रेज क्या करती हैं, किसी हाई बॉइल मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल की सरफेस एरिया पर हीट करके एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं, है ना। एक्स रेज के बारे में आप जानते होंगे, है ना, क्योंकि मेडिकल वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ हो जाए तो एक्सरे लेते हैं, है ना। टीबी वगैरह आदि की बीमारी में क्या करते हैं, चेस्ट का एक्सरे लेते हैं, है ना, डॉक्टर्स लोग, तो इस चीज़ में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अगला पॉइंट नंबर सिक्स, पॉइंट नंबर सिक्स आपका क्या आ जाएगा, दे है क्या, क्या लिख देंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड, दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सरेज, एक्सरेज, ये एक्सरे को क्या करती हैं, एक्सरेज को प्रोड्यूस करती हैं। पॉइंट नंबर सेवन है ना, पॉइंट नंबर सेवन क्या आ जाएगा, ये पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है कि दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना, है ना, ऑफ कैथोड रे, ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे, इन पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, दीज आर क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। तो कैथोड रेज इज मेड, कैथोड रेज इज मेड ऑफ, मेड ऑफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स, इट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किससे, कैथोड रे से, किससे डिस्कवरी हुई, कैथोड रे से, किसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको रिसर्च ऑफ जे थॉम्सन एंड रिसर्च ऑफ मुल्किन एंड रिसर्च ऑफ स्टोनी, इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आते हैं अगले पॉइंट पर, इतना नोट कर लीजिए, इसके साथ ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं, ले लिया, गुड, ओके। तो अब आगे इसे मिटाते हैं, आगे बताते हैं थॉम्सन के बारे में, थॉम्सन, है ना, थॉम्सन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ें थ्योरिकल बेस है, इसको आपको 11th क्लास में, ठीक है, और तो पूछा ही जाता है, और इसे नीट और IIT के जो है कंपटीशंस में, JEE के कंपटीशंस में इसे क्या किया जाता है, बहुत ही जो है इसे पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं, है ना। और इस चैप्टर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से दो चार क्वेश्चंस तो बनते हैं पूछने के लिए, वो क्वेश्चंस क्या हैं पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला टॉपिक आप डाल दीजिए, रिसर्च ऑफ जे जे थॉम्सन, क्या डाल देंगे, रिसर्च रिसर्च ऑफ सर जे जे थॉम्सन, जे जे थॉम्सन, जे जे थॉम्सन के रिसर्च, रिसर्च के बारे में। तो जे जे थॉम्सन ने क्या किया, जो ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब थी, है ना, इसमें हमने क्या किया था, इन्होंने तो जो है किसने, सर जूलियस प्लकर ने क्या किया था, बहुत ही कम दाब पर किया था इन्होंने, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या किया,
कोई भी गैस भी डाल दी, है ना, इलेक्ट्रोडों के मेटल्स को भी इन्होंने चेंज कर दिया, अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रोड इन्होंने लगाए, और उसके बाद जो है उस कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में पता किया। तो पता करने पर इन्होंने क्या निकाला कि सभी जो कैथोड रेज हैं सभी की प्रॉपर्टीज क्या हैं, बिल्कुल सेम होती हैं, उसमें चाहे जो भी गैस ली जाए या चाहे जिस मेटल का क्या है इलेक्ट्रोड लिया जाए उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया E/m वाला, उन्होंने मास ऑफ जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों का रेशियो लिया, और जो रेशियो आया वो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। रेशियो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट का मतलब वो मानक जो है E/m वो सभी कंडीशंस पर क्या आता था, बिल्कुल सेम आता था। इस चीज़ इसकी सहायता से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी कंडीशंस में, ठीक है, किसी भी कोई भी गैस चेंज कर दो या कोई भी इलेक्ट्रोड आप चेंज कर दो, किसी भी कंडीशंस में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हर कैथोड किरणों के लिए E/m का मान क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है, निश्चित रहता है, नियत रहता है, ठीक है। तो इस पर इन्होंने क्या लिख दिया, जो रिसर्च किया जे.जे. थॉमसन ने, उन्होंने क्या लिखा, ऑन चेंजिंग, लिख लीजिए रिसर्च में क्या इनका रिसर्च होगा कि ऑन चेंजिंग द गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल, द गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल, गैस और मतलब गैस को लिया या अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लिए अलग अलग मेटल के, ठीक है, गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल, इलेक्ट्रोड मटेरियल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या हुआ, रिमेन सेम, कैथोड रेज रिमेन सेम, कि उनका क्या है, कैथोड रेज का क्या होता है, सेम होता है। ये चीज़ उन्होंने किसके निकाली, जो है E/m के फार्मूले से। E/m क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया कि चार्ज ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इक्वल टू इस फार्मूले से। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम अपॉन, क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1095 ×10⁻²⁸ ग्राम, ये क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इन दोनों का कैलकुलेशन जो किया वो क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड को चेंज करने, इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज करने पर या उसके अंदर की डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई गैसों के चेंज करने पर इसका मान हमेशा क्या होता है, सेम आता है, है ना। तो इसी के कारण क्या है, उस कैथोड रेज के नेचर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस चीज़ को आप क्या है ध्यान में रखेंगे, इसका मान कितना आ गया, 1.7599×10⁻¹⁹ कितना, 8 कूलाम्ब पर ग्राम। ये इसका क्या रहा, ग्राम, ये किसका आ गया, इसका, ये आपका क्या रहा, रिसर्च ऑफ जे थॉमसन। इस ये अतिसूक्ष्म कण था, बहुत ही छोटा कण था, इस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है, मेरे बच्चों ये ध्यान रखना, और प्रोटॉन पर क्या होता है, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगली चीज़ क्या आ गई, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का, अब इसकी अगली चीज़, तो इसका नाम किसने दिया, अगली चीज़ डाल दीजिए, नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण किसने किया, नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण जो किया वो किसने किया, किसने, स्टोनी ने, किसने किया,
स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया इस छोटे पार्टिकल को, है ना, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज, नोमेनक्लेचर ऑफ यहाँ पर डाल देंगे ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज इसका नाम किसने दिया? इलेक्ट्रॉन। किसने दिया? स्टोनी ने। किसने नाम दिया? स्टोनी ने, ठीक है। इसने नाम दिया इसको, क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इसके चार्ज की गणना, किसने की? मुल्किन ने। किसने पता लगाया? मुल्किन ने इसके चार्ज की गणना की। उन्होंने बताया इसका चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कितना होता है, -19 कूलाम। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने की? जो है मुल्किन ने, ठीक है। किसने की? मिल्किन ने क्या की? इसकी खोज की, ठीक है। उन्होंने कितना बताया इसका चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो इस तरीके से हो गई ये डिस्कवरी ऑफ कैथोड। क्या हो गई? डिस्कवरी ऑफ कैथोड। इसी तरीके से बात क्या आती है कैथोड रेज के बाद, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। क्या आती है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। उस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को हम अगले पार्ट में जो है आपको दे रहे हैं। ये चीज़ आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहिए, प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। आपके साथ मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, आपका डीपी सिंह। जय हिंद।